इस्लाम का आगाज 7वीं सदी में हुआ जब पैगंबर इस्लाम पर पहली वही नाजल हुई। इस्लाम का मुकद्दस शहर मक्का सऊदी अरब में वाक़ है, जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। कुरान इस्लाम का मुकद्दस मतन है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि अल्लाह की तरफ से मुहम्मद पर नाजल किया गया है। इस्लाम 5 अहम सत्तूनों पर जोर देता है, नमाज, रोज़ा, रमज़ान के दौरान सदक़ा, ज़कात, हज, हज और ईमान का ऐलान, शहादा। इस्लाम के पैरोकारों को मुसलमान कहा जाता है, जो इत्तेहाद, हमदर्दी और इंसानियत की कद्र करते हैं। 622 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम की मक्का से मदीना हिजरत, जिसे हजरा कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ है। इस्लाम का फैलाव पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद फुतूहत और तिजारत के जरिए तेज़ी से फैला, मग़रिब में स्पेन से मशरक में हिंदुस्तान तक पहुँच गया। इस्लामी फ़न और फ़न तमीर पेचीदा हनदसी डिज़ाइन, खत्ताती और मुतहरिक नमूनों की नुमाइश करते हैं, जो अक्सर मसाजिद और तारीख़ी इमारतों में देखे जाते हैं। इस्लामी सुनहरी दौर में उलमा ने रियाजी, फलकियात, तिब और फ़लसफ़ा जैसे शुबों में नुमायूं खिदमात अंजाम दी। सुनी और शिया शाखों में तकसीम